लॉकडाउन की वजह से ये छुट्टियाँ थोड़ी लंबी हो गई थी और इन लंबी से छुट्टियों में मैं घर के अंदर बैठे बैठे थोड़ा बोर हो गई थी। पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस या नेटफ्लिक्स एंड चिल ही होता था बस। अभी मैं बोर हो ही रही थी कि पता चला कि सिर्फ मैं ही बोर नहीं हो रही, फ़ोन खोला तो पता चला कि पिकनिक का प्लान बन रहा है और यूँ हो गया मेरी बोरियत का मसला हल। जल्दी से हमने बैग्स पैक किए और रवाना हो गए हम सब खानपुर डैम के लिए। खानपुर डैम पहुंचे के हमने कॉस्ट्यूम्स में चेंज कर दिया, ये मना है, ये ओवर हो गया, सॉरी होता है। बॉय आए हुए हैं यहाँ, हेलो, इनके कपड़े देखे, वाह सुहेब भाई हमसे सीन है क्योंकि ये पानी में आपको गिराते हैं और मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे पैरासिलिंग का शौक है तो मैंने कभी की भी एक दफ़ा टर्की में, तुम थी ना मेरे साथ, हमने साथ ही की थी इनफैक्ट, लेकिन वो आपको ना बोट में ही वापस लाते थे, ये वापस आपको पानी में लाते हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर खान। लेकिन मैंने लाइव जैकेट पहन लिया है और अब मैं जा रही हूँ पैरासीलिंग के लिए, इसके बाद मेरी बारी है। यार ये वाइड एंगल नहीं हो रहा वरना मैं करती, लेकिन आ ये टर्न दे रहे हैं, मैं गिर रही हूँ। मेरा फोन कवर पे, आई एम नॉट श्योर कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, लेकिन वो नीचे ला रहे हैं मुझे पानी में, मुझे बहुत डर लगता है पानी से और मुझे बहुत मैं गिरने जा रही हूँ, मैं गिर जाऊंगी, मैं बता ये गिर जाएगा, मैं ये दूसरी दफा कर रही हूँ लेकिन मुझे इस बार बहुत डर लग रहा है, पता नहीं। How was your experience? It was great. मेरा भी अजीब सा था टेक ऑफ, मारो का टेक ऑफ मैं बताती क्या था, मारो से बहुत पतली है, हाइट छोटी और हल्की सी है, ये भाग्य भाई, ये भाग्य शुरू हुई थी कि रुक गई हवा में उड़ गई, इसका ये थी, देखो मुझे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फायदा हुआ है मुझे, शुरू ही हवा से हुई, लेकिन ऊपर बहुत मजा आता है, मैं पानी में गई नहीं बिल्कुल, ज्यादा सबसे बेस्ट पार्ट ये जमीन। अभी मैं जेट स्की में जा रही हूँ, उसके बाद मैं और रानिया जाएंगे बोट पे। मैं बीच में हूँ और हम जेट स्की पे बैठे हैं। ओके
ओके ओके हम बोट में फिलहाल सोफा में बेसिकली और ये क्या था मुझे समझ नहीं आई मजा आया बहुत मजा आया करेंगे बहुत अच्छा था बोट और नहीं बोट सोफा बोट जेट की और बैरा सेलिंग करके आई हूँ और बहुत मज़ा आया। हालत ख़राब हो गई, मुझे पानी से बहुत डर लगता है यूजुअली, लेकिन मुझे यहाँ लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, तो आप लोग भी आ सकते हैं। हम खाना खाने जा रहे हैं अभी और पीछे बोट और जेट की वगैरह हो रही है और ये अन्नमबाजी। अच्छा ना, हम खाने से फारिग हो चुके हैं, हमने बिरयानी खाई है और अब हम वापस आ गए हैं पानी की तरफ। खाना हज़म नहीं हुआ फिलहाल। अभी हम हमारी बनाना बोट रही थी और एक और पता नहीं कौन सी ट्यूब वाली है, वो रही थी। ट्यूब वाली मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उसमें डर लग रहा है, तो मैं हो सकती बनाना वाली कर लूँ। तो देखा ये सीन है और मौसम जो है ना बहुत अच्छा है और हमारा जो ये रिजॉर्ट है, इसका क्या नाम है वैसे? ऑरेंज समथिंग रिजॉर्ट है, मैं कंफर्म करके बताती हूँ। ये बहुत अच्छा है और यहाँ का अपना एक प्राइवेट एरिया जहाँ पे की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इतनी रश नहीं है क्योंकि पब्लिक एरिया नहीं है, तो गुड सीन है यहाँ पे। ये हमारा रिजॉर्ट है और यहाँ पर ये सारा इसका एरिया। मैं इस गिरने की वजह से इस राइड पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे गिरने से बहुत डर लगता है और ये भी लेट है, डर मैं हम बहुत डरते हैं। ओके सो वी आर डन विद खानपुर। हाय मुझे, हमने सब कुछ कर लिया ऑलमोस्ट, अब जाने का टाइम हो गया। क्या टाइम है वैसे? आई गेस 5:36 हो रही होंगी, आई एम नॉट श्योर, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं पता क्या। खैर हमने सब कुछ कर लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। बिछावे की तरफ चेंज भी हमने कर लिया और सब। Bye wifey, bye, bye, bye.